हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टेक। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल आता होगा कि आखिर यह रेजिस्टेंस होता क्या है और यह करता क्या है। दोस्तों, आपने कभी रोड पर जाते हुए देखा होगा कि कहीं कहीं पर बैरिकेड्स लगे होते हैं और वहां हमें अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करना पड़ता है। मींस यह बैरिकेड्स गाड़ी की स्पीड पर रुकावट पैदा करता है। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी कंडक्टर को बैटरी या एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने लगते हैं और इन्हीं पॉजिटिव चार्जेस के पाथ में जो रुकावट पैदा करते हैं उसे ही हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक बैरिकेड की तरह होता है जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करता है और पॉजिटिव चार्जेस के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। आइए अब हम इसका यूनिट देख लेते हैं। दोस्तों, रेजिस्टेंस का यूनिट SI सिस्टम में ओम होता है और इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। आई होप आपको यह टॉपिक क्लियरली समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा यह वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आपको आपके सवालों का जवाब बहुत जल्द ही मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।